क्योंकि तुम्हारा दिल दुखाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और शायद इसी वजह से तुम्हें लगा कि हमारे बीच कभी कोई दोस्ती थी ही नहीं। जो भी थी सिर्फ एक बैठ थी। मुझे खुद तुम्हें सारी बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी, इस तरह तुम्हें किसी और से पता चला। किसी और से? चश्मिश को किसी और ने बताया, बट किसने? हाय गुंजन, हाय। अक्सर जब एग्जाम्स खत्म होते हैं लोग खुश होते हैं, पर तुम तो काफी सैड लग रही हो। एनी प्रॉब्लम? अब मेरा मतलब है मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। नुपुर ने मुझसे बात करने से मना किया है क्या? बारे में कुछ बात कर रहे थे, मुझे परेशान करके तो बाज नहीं आए, अब मेरी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया है ना। कुंजन, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ किया? बता, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। कुंजन, तुझे देखकर ऐसा नहीं लग रहा, कुछ तो है। तू नाम बता उसका। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज दी, मैं बस थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। लेकिन गुंजन, प्लीज दी, बस थोड़ी देर। वही जो तुमने कहा। मैंने क्या कहा? वही जो मैंने कहा। ये तुमने क्या तुम में मैं तुम लगा रखा? साफ साफ कहते कि नहीं, तुमने से क्या कहा? कहा नहीं, सिर्फ पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। तो क्या कहा उसने? वही जो तुमसे कहा। अरे यार, तुम सुधरोगे नहीं, सीधी सीधी बात करनी नहीं आती तुम्हें। सीधी सीधी बात सुननी है तो सुनो, यहाँ तलवार चलाना बंद करो और अपनी बहन के पास जाओ, उसे अभी तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। लेकिन हाँ, तुम भी यहाँ टक टक ही लगा कर मत बैठो, जाकर अपने कॉम्पिटिशन के लिए अपना पार्टनर ढूंढो, वरना मैं किसे हराऊंगी। इससे बात करना ही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी वजह से मैंने स्टेज पे सबके सामने गाना गाया और मेरा डर भी चला गया, सिर्फ एक बैठ के लिए ही सही। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। फ्रेंडशिप तो कभी थी ही नहीं समरा, अब ना तुम्हें मेरी जरूरत है और ना मुझे तुम्हारी। और ना मुझे तुम्हारी। ने टैलेंट परेड के लिए मुझे इतनी स्वीटली थैंक किया था,
फिर एक दिन अचानक उसे बैट के बारे में कैसे पता चला? ये बात चश्मिश खुद तो कैसे नहीं कर सकती। फिर किस बेवकूफ ने उसे ऐसा क्या कह दिया कि वो इतना? सैमी, पता है ये क्या है? ये मिसल जो है, जब एक बॉय और गर्ल इसके नीचे खड़े होते हैं तो उन्हें यू नो नो, ये मिसल तो नहीं, झाड़ दिया। व्हाट सैमी, मैं तुमसे इतनी लविंगली बात कर रही हूँ और तुम मुझे इतना रूडली आंसर कर रहे हो। कैंडी, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के बाद मिसल्टो के बारे में डिस्कस करें। ओके, आई विल वेट। ओके। सैमी, तुम रहने दो, मैं गुंजन की हेल्प कर देती हूँ। तुम जाओ, गुंजन और मैं अभी आ रहे हैं। हे चश्मिश, कम। Wow, Sammy, that was fast. Practice खत्म भी होगी? नहीं, तुमसे कुछ पूछना था। मिस्टर टो के बारे में? गुंजन के बारे में। Sam, not again. Yes, please. Not again. दोबारा नहीं पूछूंगा, बस इतना बता दो कि क्या तुमने गुंजन को कुछ ऐसा कहा था? जैसे? जैसे टैलेंट परेड में लगे हमारी शर्त के बारे में। क्यों कैंडी, तुमने उसे बैट के बारे में क्यों बताया? Come on, Sammy. इसमें छुपाने वाली कोई बात थी? पर गुंजन को बताने की क्या जरूरत थी कैंडी? पूरे कॉलेज को पता था सैमी, और मैं तो ये सुन के शॉक्ड हूँ कि तुम गुंजन से ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे। I mean, गुंजन से बातों में ही ये बात निकल गई, और इसमें क्या बड़ी बात है? सिर्फ एक बैट ही तो थी हमारी और बैट्स की तरह। मुझे थोड़ी लगा था कि एक बैट की वजह से कोई इतना परेशान हो जाएगा। लेकिन तुम क्यों इतने अपसेट लग रहे हो? क्योंकि गुंजन इतनी अपसेट है कि वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। What? पर वो सब तो हमने सिर्फ मस्ती के लिए किया था, right? यही तो प्रॉब्लम है कैंडी। वो इस बात को लेके बहुत सीरियस है। वो हमारी तरह नहीं है कैंडी, और तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए। वो तुम्हारी बहन है। हाँ सैमी, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, इसीलिए टैलेंट परेड के दिन मैं तुम्हें बैट लगाने से मना कर रही थी। लेकिन तब तुम बैट को लेके कितने एक्साइटेड थे, इनफैक्ट ओवर एंथू थे। तो अब ये बैट तुम्हें इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही है? तुम्हें तब नहीं लगा कि ये गुंजन के लिए सीरियस है, तो अब क्यों लग रहा है? जानते हैं कि गुंजन सेंसिटिव है। यू रिमेम्बर वो भावेश वाला जोक और फिर वो ऑडिशन? ये पहली बार तो नहीं है कि गुंजन तुम्हारी वजह से अपसेट है। कम ऑन सैमी, अब गुंजन की तरह ओवर रिएक्ट करना बंद करते हैं।
वो तो ऐसी ही है, she is oversensitive. पता नहीं कैंडी, लाइफ में पहली बार समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं या क्या करूं. सॉरी सैमी, ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से है. मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने ही सही मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी होगी. मैं दुनिया की सबसे खराब फ्रेंड हूँ. I hate myself. Please कैंडी, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है. और अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ. अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम वर्ल्ड की बेस्ट फ्रेंड हो. थैंक यू सैमी. मैं भी आता हूं. You mean? Yes. Bet खत्म हो गई. Exams over हो गए. But Sami की आंखों पे से गुंजन का पर्दा अभी तक नहीं हटा. अब हटेगा. मतलब? मतलब ये, New Year party पे नए साल के अलावा कुछ और भी नया होगा, जो सबको हिला के रख देगा. और फिर Sami मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकेगा. What? नुपुर सिर्फ तुमसे 2 marks से हार गए? Dude, that was really close. I know, CJ. तभी तो मैं उसके सामने एक strong candidate खड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नुपुर भूषण की चालाकियाँ अच्छी तरह समझ चुका हूँ. वो सारे जवाबों को रट कर आ जाएगी. इसीलिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसकी याददाश्त तो अच्छी हो ही, लेकिन जो साथ में इंटेलिजेंट भी हो. वैसे CJ, तुम भी. Oh God. मैं प्लीज आगे बोलना भी मत. मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती. अरे CJ सुनो तो सही. देखो CJ, तुम मुझे सबसे अच्छे से जानती हो. बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ. तुम बिल्कुल ठीक कहती हो. मुझ में बहुत बड़ा ईगो है. ओह रियली? अच्छा हो गया तुमने बता दिया, नहीं तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता. पर तुम्हारी दोस्त नुपुर मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है. वो अकेडमिक मीट में सिर्फ इसलिए हिस्सा ले रही है ताकि वो मुझे चिढ़ा सके. हाँ हाँ, और वो कुछ हद तक कामयाबी हो रही है, मुझे दिख रहा है. Come on, CJ, तुम मेरी दोस्त हो. You need to help me, यार. Exactly, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ. और हमारी दोस्ती का पहला एग्रीमेंट यही था कि तुम मुझे ऐसे किसी काम के लिए फोर्स नहीं करोगे जो कंस्ट्रक्टिव हो. लेकिन CJ, अगर मैंने दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढा तो तुम्हें नुपुर के साथ जाना होगा. अच्छा है, थोड़ा सुधर भी जाओगे. ऑल द बेस्ट. दूसरा पार्टनर तो मैं ढूंढ कर रहा हूँ. स्नूपुर के साथ तो एकेडमिक मीट में जाऊंगा ही नहीं. बाय गॉड. मयंक के बच्चे को मैं छोड़ूंगी नहीं. क्या जरूरत थी चैलेंज एक्सेप्ट करने की? चुपचाप हार मान के बैठ भी तो सकता था ना. अब उसे हराने के लिए फिर से दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी. बाय गॉड. गुंजन, कैसी है तू? अच्छा ये बता, पूरे दिन परेशान क्यों घूम रही थी? हाँ देख, अगर उस मयंक ने कुछ किया होगा ना तो मैं उसे देख लूंगी. तू बता क्या हुआ? गुंजन, मैं तेरी बहन हूँ, सगी बहन हूँ. तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? मैं यहाँ तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ. सॉरी. हाँ अच्छा बता क्या बात है. वो मैं सम्राट की वजह से परेशान हूँ. क्या वो फेल हो गया क्या?
अच्छा तो फिर से उसने कुछ किया होगा। इसकी तो मैं अरे कुंजन, मैं तो दरवाजा बंद कर नहीं भूल गई। तू जाके फोन उठा, हाँ मैं देखती हूँ। हेलो है चश्मश, देखो फोन मत रखना। मेरी बात तो सुनो, तुम गुस्सा हो और तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। तुम जो चाहो कह सकती हो चश्मश, लेकिन कुछ तो कहो। अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो समझ जाओगी। प्लीज सम्राट, दोबारा यहां फोन मत करना। सुनाई दे रही या मेरे कान बज रहे? हेलो हेलो नूपुर, सॉरी मैंने इतना लेट फोन किया। सम्राट तुमने फिर से कुछ किया क्या? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ सम्राट, तुमने फिर से कुछ किया जो कुंजन का चेहरा सवेरे से इतना उतरा हुआ है? नूपुर मैं हाँ तुम एक तुम ही हो जो मेरी बहन को इतना परेशान कर सकता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर गुंजन को परेशान किया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। नूपुर मैंने इसलिए फोन किया था कि अब तुम कुछ नहीं करोगे सम्राट। और हाँ, मेरी बहन के आसपास भी भटके ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी भी नहीं कि मैं क्या करूंगी। और अब चुपचाप फोन रखो और चादर तान के सो जाओ। गुड नाइट। क्रॉस कनेक्शन लगता है मोरेना की वधू का फोन पे फायर कर रही होगी। डूड गुंजन, सिर्फ एक बार तो बता उसने ऐसा किया क्या है। देखना मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि गुंजन तुझे उदास देखकर मुझे कोई मुहावरा भी याद नहीं आ रहा है। Chill, yaar. Try till you succeed. और अगर वो अभी भी तुझसे बात नहीं करना चाहती है तो फिर वो उसका लॉस है। Really? और क्या? अब देख तो एक काम कर, तो कुछ दिनों के लिए उससे बात मत कर। वो अपने आप तुझसे बात करना शुरू कर देगी। After all, सम्राट का फ्रेंडशिप तो एक्सेल कॉलेज के ऑस्कर जीतने की तरह है। कौन नहीं चाहता? कुंजन। कुंजन नहीं चाहते। अरे यार डूड, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये गुंजन का केस तुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है?